सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ये वाली फ़ोटो को एडिट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह की कलर ग्रेडिंग मैंने की है एंड ये कलर ग्रेडिंग मैंने अपने फ़ोन से की है। सो कैसे किया हूँ मैं आप लोग को बताऊँगा इस वीडियो में। एंड इसके पहले गाइस मेरी एक वीडियो आई थी फेस रिटचिंग के ऊपर, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि फेस रिटचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी एडिटिंग के लिए। एंड जो हमारा पहला स्टेप रहता है वो फेस रिटचिंग ही रहता है। मैं मतलब अपनी इमेज में फेस रिटचिंग मैं कैसे करता हूँ उस वीडियो में आप लोग को बताया हूँ, क्योंकि वो पहला स्टेप रहता है। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम कलर ग्रेडिंग करते हैं। सो पहला स्टेप आप लोग को जान लेना चाहिए कि कैसे मैंने किया है। सो उसका भी लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो ये वाली कलर ग्रेडिंग है गाइस। एंड ऐसी सेम कलर ग्रेडिंग मैंने इंस्टाग्राम पर एक मेरी फ़ोटो में डाली थी, बट अभी ये जो दूसरी है, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये वाली वो वाली टोन से थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा सा कूल है एंड वो थोड़ा सा वार्म टाइप पे था, बट ये वाली बहुत ही अच्छी लग रही है। बहुत ही कमाल की फ़ोटो एडिट हुई है, मुझे नहीं पता था कि ऐसी एडिट हो जाएगी गाइस, क्योंकि मैं जो भी फ़ोटोज़ वगैरह मेरी एडिट करता हूँ मैं पहले से नहीं सोच के रखता हूँ कि मैं यही वाली कलर एडिट करूँगा। मतलब ऐसा मैं पहले से सोचता नहीं हूँ, बट जब भी मैं एडिट करता हूँ तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड अच्छी लगती है तो मैं इस पर ट्यूटोरियल बना देता हूँ आप लोग को बताने के लिए कि मतलब आप लोग भी कुछ इस तरह के एडिट कर लो। ओके, सो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। एंड अगर वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि गाइस मैं ऐसी और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहता हूँ, और भी अच्छी अच्छी एडिटिंग वगैरह लाऊँगा, तो सब्सक्राइब कर लो यार। ओके, एंड चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले गाइस आपको कुछ इस तरह की फ़ोटो क्लिक कर लेनी होगी। अगर आप फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करते हो तो आपको फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड ऑन करना है, एंड कुछ इस तरह की बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगी आपकी इमेज में। एंड चाहो तो आप कुछ दूसरा पोज भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही पोज रखो मेरे जैसा, आपके हिसाब से कुछ अलग पोज रख सकते हो। एंड कुछ इस तरह की फ़ोटो क्लिक कर लेनी है गाइस। एंड उसके बाद जो भी फेस वगैरह स्मूथ करना रहता है वो सब कुछ कर लेना है। एंड अगर फेस स्मूथ करना नहीं आता है तो ये वाली वीडियो से पहले जो वीडियो आई थी गाइस उसमें मैंने यही बताया है, एंड फेस स्मूथ कैसे करें, एंड उसका लिंक मैंने दे रखा है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके एक बार देख सकते हो। एंड देख लिया तो अच्छी बात है। ओके गाइस, सो अभी ये वाली फ़ोटो मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ पहले की, ये पहले कैसी थी। ओके, सो ये पहले ऐसी थी, आफ्टर रीटचिंग। ओके गाइस, एंड रीटचिंग की पहले तो और ही बेकार थी, बट रीटचिंग के बाद थोड़ी ऐसी दिखने लगी। एंड जब कलर ग्रेड किया गया तो गाइस एकदम बूम हो गया, एकदम मतलब अलग ही हो गया। मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे कलर ग्रेडिंग कैसी हुई है। सो कुछ इस तरह से मैंने इसको कलर ग्रेड किया है। एंड सबसे पहले इसका मैं जो भी एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ हटा देता हूँ, एंड स्टार्टिंग से आप लोग को बताता हूँ। ओके गाइस, सो मैं इसके ऑल एडजस्टमेंट को हटा देता हूँ। ओके, एंड अब हम स्टार्टिंग से सीखेंगे कैसे मैंने इसको कलर ग्रेड किया। ओके, सो मैंने मेरी फ़ोटो को गाइस लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। लाइट रूम सो गाइस लाइट रूम एप्लीकेशन अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लो, ये प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल है, एंड इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके गाइस, सो आपको अपनी इमेज को लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। एंड अब जो हमारा पहला स्टेप रहेगा वो लाइटिंग को एडजस्ट करना है हमारी इमेज में। सो लाइटिंग को एडजस्ट करने के लिए गाइस यहाँ से सन वाले आइकॉन पे आ जाना है, एंड यहाँ से एक्सपोजर हमारी इमेज में बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रॉपर है, तो हमें कुछ नहीं करना है। कॉन्ट्रास्ट को गाइस हमें 10 रख लेना है कुछ इस तरह से, एंड हाईलाइट को हमें -5 रख लेना है, -5 या 6, मतलब ये जो लाइटिंग वाला एडजस्टमेंट है गाइस सेम मत रखना, आप अपने इमेज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। मेरे फ़ोटो में लाइटिंग अच्छी है इसलिए मैं ऐसी कुछ रख रहा हूँ, एंड आप भी अगर ऐसा सेम है तो आप भी रख सकते हो, ऐसा कुछ कोई इशू नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके इमेज की लाइटिंग अलग है तो ये सेम मत रखना। ओके गाइस, एंड हमें यहाँ से शैडो पे आ जाना है, एंड यहाँ से शैडो को हमें -6 रख लेना है कुछ इस तरह से, एंड वाइट को भी -9 रख लेना है, इतना -9 या 10 रख लेता हूँ। एंड ब्लैक को हमें डिक्रीज़ करना है कुछ -11 तक, ताकि हमारी जो इमेज है थोड़ी सी डार्क हो जाए, मतलब जो भी शैडो वाले एरिया है वो और डार्क हो जाए। ओके, एंड इसके बाद गाइस यहाँ से हमें कर्व टूल पे आ जाना है, एंड मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल होता है, बट इस कर्व टूल का चाहो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे बनाना है। मतलब ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसलिए मैं ऑलरेडी इसका मतलब जैसा एज इट इज़ दिखाऊंगा वैसा आप लोग इसको बना लेना। सो कर्व टूल मैं बना लेता हूँ एंड उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो मैंने जो मेरा कर्व टूल है, ये जो पहला वाला वाइट कलर है, इसको मैंने मतलब जो इसमें लाइटिंग का चेंजेस करता है ये पहला वाला कलर,
उसको मैंने कुछ इस तरह से बनाया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से, एंड आप लोग को भी कुछ इस तरह से बना लेना है। एंड उसके बाद गाइज ये जो रेड वाला कलर है एंड ग्रीन वाला कलर, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, एंड हमें ब्लू वाले कलर पर आना है। एंड इसका जो कर्टूल है हमें कुछ इस तरह से क्रिएट करना है, एंड आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेना। ओके गाइस, एंड हमारा जो पहला स्टेप था वो हो चुका है, एंड गाइस यहाँ से हमें डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ से हमें टेम्परेचर वाले आइकॉन पे आना है, जो कि ये है कलर जिस पे आप देख रहे हो कलर शो हो रहा होगा, कलर लिख के आ रहा होगा, यहाँ कलर वाले ऑप्शन पर आना है गाइस। एंड यहाँ से हमें अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो टेम्परेचर वाला आइकॉन दिख रहा होगा गाइस, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें टेम्परेचर पर आना है, एंड टेम्परेचर को हमें 11 रख लेना है कुछ इस तरह से, 11 या 12, एंड वाइब्रेंस को 14.3 के आसपास रखना है, टिंट को हमें कुछ भी नहीं करना है, वाइब्रेंस को हमें 43 के आसपास रख लेना है कुछ इस तरह से। एंड अब हमें आ जाना है सैचुरेशन पे, सैचुरेशन को 18-19 रख लेना है कुछ इस तरह से, सो मैं 18 रख लेता हूँ। एंड गाइस अब हमारा अगला स्टेप है मिक्स टूल का, कलर ग्रेडिंग का है। सो सिंपली ये जो 3 डॉट दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, कलर ग्रेडिंग के टूल्स हैं, इस पर हमें आना है। एंड यहाँ से हमें पहला जो है शेडो को सिलेक्ट कर लेना है, एंड शेडो पे सिलेक्ट करने के बाद गाइस इसका जो यू है हमें इसको 228 रख लेना है। ओके सो मैं इसको 228 रख लेता हूँ, मीन्स 288। ओके सो यहाँ से मैं इसको 228 रख लेता हूँ। एंड गाइस इसका जो सेचुरेशन रहेगा इसको हमें 29 रख लेना है, सो इसको मैं 29 रख लेता हूँ, एंड कुछ इस तरह से। एंड ये सारी सेटिंग आपको अपनी इमेज में सेम रखनी है गाइस। एंड यहाँ से हमें लुमिनस को -64 रख लेना है, सो इसको मैं -64 रख लेता हूँ, क्योंकि ये सब मेन टूल्स हैं तो इसको मिस नहीं करना गाइस। ये सारी एडजस्टमेंट हमारी इमेज में बहुत ही मेन रूल है इन लोग का, तो आप लोग मिस नहीं करना। ओके एंड गाइस इसका जो ब्लेंडिंग है इसको हमें 44 रख लेना है, मतलब थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेना है। एंड बैलेंस को हमें -45 रख लेना है, एंड कुछ इस तरह से। एंड शैडो के बाद अब मैं अगले स्टेप पे आना है, मिड टोन पे, सो हम मिड टोन पे आ जाते हैं। ओके गाइस सो हम मिड टोन पे आ चुके हैं, एंड मिड टोन का जो यू है उसको हमें 65 रख लेना है गाइस, कुछ इस तरह से स्वाइप करना है, एंड 65 मैं रख लेता हूँ। इसको मैं 65 रख लेता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एंड 67 भी चलेगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ से इसका जो सेचुरेशन रहेगा इसको हमें 24 रख लेना है कुछ इस तरह से, एंड इसको मैंने 24 रख लिया, 25 भी चलेगा, मतलब सेम एज इट इज़ रखना है। एंड गाइस इसका जो ल्यूमिनस है इसको हमें -57 रख लेना है, सो कुछ इस तरह से -57 कर लेना है। एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड रहेगा सेम रखना है 44, एंड बैलेंस को भी -45 रख लेना है गाइस। एंड उसके बाद हमें थर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है, हाईलाइट पे, एंड गाइस हाईलाइट का जो यू रहेगा इसको हमें 50 रख लेना है। एंड गाइस आप लोग को ये ध्यान देना है कि ये मिस ना होने पाए, क्योंकि ये सारी जो मतलब जो भी ये कलर ग्रेडिंग में कर रहा हूँ ये सब मेन इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग का तो आप एडजस्ट कर सकते हो बट ये इंपॉर्टेंट है। ओके सो इसको मिस नहीं कर लेना, इसको मिस नहीं करना गाइस। एंड ओके सो हमने हाईलाइट का जो यू है उसको मैंने 50 रख लिया है, एंड इसका सेचुरेशन हमें 34 रख लेना है। ओके सो इंक्रीज़ करते हैं सेचुरेशन, एंड इसको हम 34 रख लेते हैं। ओके 34 रख लेते हैं। एंड इसका जो ल्यूमिनस है इसको -49 रख लेता हूँ मैं कुछ इस तरह से, -49-50 जो भी है रख लेते हैं। ओके एंड गाइस इसका जो बैलेंस और ब्लेंडिंग मोड है सेम रखना है। एंड अब हम आ जाते हैं ग्लोबल वाले ऑप्शन पे, जो लास्ट स्टेप है इसका। एंड ग्लोबल का जो यू है गाइस इसको हमें 194 रख लेना है, सो यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ करते हैं एंड 194 रख लेते हैं, सो 194 हो गया है। एंड इसका जो सेचुरेशन है इसको हमें 30 रख लेना है, एंड कुछ इस तरह से रख लेना गाइस। एंड ल्यूमिनस को -54 रख लेना है। ओके सो कुछ इस तरह से मैं रख लेता हूँ। एंड अभी जो हमारा ये कलर ग्रेडिंग का था ये हो चुका है, एंड हम अगले स्टेप पे चलते हैं गाइस। ओके गाइस तो अभी हमारा कलर ग्रेडिंग हो चुका है, एंड अब हमें आ जाना है मिक्स टूल पे। मिक्स टूल का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा, सो सिंपली मिक्स टूल पे आना है, एंड यहाँ से गाइस हमें ये पहला वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है जो कि रेड कलर होता है। एंड इसका जो यू है उसको -13 रख लेना है कुछ इस तरह से, -13 या 14 भी रख सकते हो। एंड इसका जो सेचुरेशन है इसको हमें 25 रख लेना है, सो मैं इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ 25-26। एंड इसका जो ल्यूमिनस है इसको -11 या 12 रख लेते हैं। एंड गाइस एंड अब जो सेकेंड वाला ऑरेंज कलर है इस पर आना है,
एंड इसका जो यू है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। एंड इसका सेचुरेशन हमें थोड़ा सा डाउन करना है कुछ 28 के आसपास। एंड इसका जो ल्यूमिनेंस है गाइस इसको हमें 17 रख लेना है, 17। ओके सो इसको हम 17 रख लेते हैं। एंड गाइस उसके बाद थर्ड वाला येलो कलर पे आना है एंड इसका जो यू है इसको हमें फुल डिक्रीज कर देना है, -100 कर लेना है। एंड इसका जो सेचुरेशन रहेगा गाइस इसको -71 रखना है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है हमारी इमेज में, तो इसको 71 रख लेना है। एंड इसका जो ल्यूमिनेंस है उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है गाइस। एंड नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो ग्रीन वाला कलर है उसको सिलेक्ट करते हैं। एंड गाइस इसका जो यू है इसको हमें -75 रखना है। ओके सो कुछ इस तरह से हम इसको -75 रख लेते हैं। एंड इसका जो सेचुरेशन है फुल डिक्रीज कर देना है, पूरा डाउन कर देना है। एंड इसका जो ल्यूमिनेंस है उसको -9 रख लेना है कुछ इस तरह से, 9 या 10 रख लेना गाइस। एंड उसके बाद फिफ्थ वाले कलर पे आते हैं जो हल्का स्काई ब्लू में दिख रहा है। एंड गाइस इसका जो यू है हमें कुछ भी नहीं करना है। एंड इसका सेचुरेशन हमें डिक्रीज कर देना है -74 के आसपास। ओके 74-75 रख सकते हैं, 74 रख लेता हूँ मैं। एंड गाइस अभी जो ब्लू कलर है उस पर आ जाना है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, ना यू को कुछ करना है ना ल्यूमिनेंस को, जो इसका सेचुरेशन रहेगा उसको फुल डिक्रीज कर देना है। ओके गाइस एंड अभी आप देख सकते हैं हमारी इमेज में वैसा लुक आ चुका है जैसा पहले था, जैसा कि मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर में ऑलरेडी दिखाया था। एंड लास्ट सेकंड वाला जो कलर है इसका भी जो सेचुरेशन है इसको भी फुल डाउन कर देना है। एंड जो हमारा मेन लास्ट कलर है इसका भी गाइस सेचुरेशन 97 के आसपास रख लेना है। ओके सो 97 के आसपास मैं रख लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। एंड इतना होने के बाद गाइस आप देख सकते हो हमारा जो इमेज है फुल उसी टोन में आ चुका है जैसा कि मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर में दिखाया था। ओके गाइस सो अभी हम आ जाते हैं ये बॉक्स वाले आइकॉन पे, इफेक्ट वाले पे। एंड ये सब हमारी इमेज में मेन मैटर करते हैं, तो इन सबको हमें ऐड करना चाहिए गाइस, क्योंकि अगर आपने पूरा टोन वगैरह सेम कुछ एडिट किया है एंड उसमें थोड़ा भी डिटेल्स नहीं है तो इमेज अच्छी नहीं दिखेगी गाइस। सो सिंपली इफेक्ट पे आना है एंड यहाँ से टेक्सचर को हमें 4 रख लेना है गाइस। एंड इसका जो क्लैरिटी रहेगा उसको हमें 2 रख लेना है। एंड उसके बाद यहाँ से ट्रायंगल वाले आइकॉन पे आना है एंड यहाँ से शार्पनिंग को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं 54 के आसपास। एंड रेडियस को हमें 100 रहने देते हैं, डिटेल को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं 50 के आसपास। एंड मास्किंग को हमें रख लेना है 16 एंड नॉइस रिडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं 19 या 20 के आसपास, क्योंकि हमारी इमेज में हम ऐसा कलर डालते तो थोड़ा सा नॉइस वगैरह ऐड हो जाता है, सो इतना रख लेना है। एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं कुछ इतना एंड कलर नॉइस रिडक्शन को हमें 27 के आसपास रख लेना है। एंड बस इतना करने के बाद गाइस हमारा इमेज पूरी तरह से एडिट हो चुका है। एंड आप चाहो तो इसमें और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसा कि यहाँ से जो ये टॉप पे दिख रहा होगा लाइटिंग जैसा कुछ इस तरह का, सो इस पे आप मैं कोई ग्रेडियंट वगैरह ऐड करके आप लोग को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अलग लुक आएगा। तो सिंपली यहाँ से हमें फर्स्ट वाले आइकॉन पे आना है, यहाँ से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करना है। ओके एंड यहाँ पे टैप करना है कुछ इस तरह से एंड इसको जो फेक लाइट होती है एक टाइप से समझ लो कुछ इस तरह से क्रिएट करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से सन वाले आइकॉन पे आना है एंड इसका एक्सपोजर थोड़ा इंक्रीज़ करना है। सो आप देख सकते हो थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है एंड यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है। सो बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हो हमारी इमेज एडिट हो चुकी है। सॉरी गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट मैं आप लोग को एक एक स्टेप अच्छे से बताया तो आप लोग भी कुछ इस तरह की एडिटिंग कर पाओगे गाइस। सो कुछ इस तरह से हमारा इमेज एडिट हो चुका है। आप चाहो तो इसमें ग्रेडियंट यूज़ करो एंड चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो गाइस। आपकी इमेज में अगर ऐसा कुछ लाइटिंग वगैरह है तो आप यूज़ कर सकते हो, मेरी इमेज में ऐसा लाइटिंग आ रहा था टॉप साइड से तो मैंने इसको ग्रेडियंट यूज़ किया। ओके एंड इतना होने के बाद गाइस यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ से सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके हमारा इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारी गैलरी में। एंड गाइस आप लोग भी कुछ इस तरह की एडिटिंग कर पाओगे। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आप लोग भी कुछ इस तरह की फोटो एडिट कर सकते हो। एंड सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना गाइस एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो एडिटिंग आने वाली है, ऐसी और भी फोटो एडिटिंग आने वाली है। सो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं किसी गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक।